सकरदरा पुलिस थाना क्षेत्र में उधार लिए चिकन के पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में चिकन विक्रेता ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर होटल चालक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना नागपुर के सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत बड़ा ताजबाग परिसर में हुई है। पुलिस ने घटना की शिकायत मिलने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके एक अन्य साथी की तलाश करी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शफीक खान का ताजबाग में होटल है, जबकि आरोपी मोहम्मद आसिफ उर्फ मोनू अनिस शेख की हसनबाग में चिकन की दुकान है। शफीक खान वल्द अजीत खान इन्होंने कोरोना काल में होटल के लिए उधार में आसिफ शेख से चिकन लिया था और उसके करीब 6 लाख रुपए बकाया थे। उधार पैसों को लेने के लिए ही शफीक को फोन कर आसिफ ने बड़ा ताजबाग में मिलने को बुलाया था। इस दौरान उनका आपस में विवाद हुआ है और इस विवाद में आसिफ ने अपने दोस्त मोहम्मद अनिस और दानिश इमरान खान के साथ मिलकर शफीक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को लोगों ने इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया था और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने घटना की शिकायत मिलने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। मोठा ताजबाग येथे राहणारे शफीक खान अजीब खान यांचे तिथे एक हॉटेल आहे। त्या हॉटेलमध्ये त्यांना नेहमी चिकन कच्चं चिकन घेण्याची आवश्यकता पडत होती। त्या अनुषंगाने हसनबाग येथे राहणारे मोहम्मद आसिम उर्फ मोनू व अनिस यांच्या दुकानातून ते नेहमी चिकन घेत होते। कोरोना काळामध्ये काही त्यांचे चिकनचे पैसे उधार राहिले होते, जवळपास 1 लाख रुपये उधारी होती म्हणजे मोनूची वगैरे। परंतु ते पैशाच्या देवाणघेण्यावरून मग तो काल उधारचे पैसे घेण्यासाठी ताजबागला आला, त्याने झगडा झाला व त्यांनी मग त्याच्या खांद्यावर चाकू मारून त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला। कालच गुन्हा कलम 109.35 BNS प्रमाणे दाखल करण्यात आलेला आहे। ते दोन्ही आरोपी आसिफ आणि दानिश अटक करण्यात आलेले आहे। तपास PSI कव्हर करीत आहे। याच्यात जे फिर्यादी आणि आरोपी आहेत यांच्यात आपराधिक रेकॉर्ड नाही आहे। एका व्यवसायावरून उधारीचे पैशावरून यांचा झगडा झालेला आहे, आपराधिक रेकॉर्ड नाही आहे। रात्री 11 वाजता जवळपास घटना होती, लगेच आम्ही गुन्हा दाखल झाल्यानंतरच तत्काळ आम्ही आरोपीला ताब्यात घेऊन विचारपूस केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।